मेरे साथ मौजूद हैं टीवी एक्टर करण टैकर. करण, वेलकम टू E24. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप टीवी एक्टर से अब होस्ट बनते जा रहे हैं. जी, एक्चुअली मैंने अपनी करियर की शुरुआत जब की थी वो होस्टिंग से ही की थी. स्टार संसार एक शो था जो मैं स्टार प्लस के लिए होस्ट करता था पहले. बट डेफिनेटली हल्ला बोल के साथ वापस आया हूँ, सीज़न 2 के साथ वापस आया हूँ. बहुत खुश हूँ, बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व हूँ इस कॉज में. बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, लोगों का माइंड सेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. दिल्ली आना करण को कैसा लगता है? मुझे दिल्ली आना बहुत अच्छा लगता है. मुझे दिल्ली बहुत खूबसूरत लगती है. मैं जब भी दिल्ली आता हूँ यही सोचता हूँ कि यार यहाँ पे इतनी हरियाली है. यू नो दैट इज एक यू नो हो सकता है कि मैं बम्बई से हूँ. जब मैं दिल्ली लैंड करता हूँ, जैसे यू नो यू कम आउट फ्रॉम द प्लेन एंड यू नो यू गेट टू स्मेल ग्रीनरी, आपको वो हरियाली की स्मेल आती है. तो व्हेन व्हेन आई वाज ड्राइविंग मैं यही देखता रहता हूँ, यार बड़ी हरियाली, इतने पार्क्स हैं, लोधी गार्डन इतना खूबसूरत है. यू नो इंडिया गेट जब क्रॉस करता हूँ आई फील लाइक वाओ यार, ये मतलब इट कैन बी लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So I love Delhi and then दिल्ली का खाना है जो is always on my mind. Fortunately मैं हमेशा जब यहाँ आता हूँ बंगाली मार्केट के आसपास ही होता हूँ, तो that's where I go always to have my dose of गोलगप्पाज and चाट्स and all my मिठाईज. तो आज ऐसी कोई डोज लेने वाले हम खाने की? Definitely, I think इसके बाद immediately that's what is on the charts. मेरे यहाँ पे दो बहुत फेवरेट जगह, एक अलकौजर करके एक जगह है मालचा मार्ग पे, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, वहाँ पे बड़ा अच्छा खाना मिलता है. एक बंगाली मार्केट है जहाँ मैं जाता हूँ, एक जीके की मार्केट है, जीके वन मार्केट में एक माहौल होता है बड़ा अच्छा. वहाँ पर चाट बहुत अच्छी मिलती है, जो आलू की चाट होती है, ड्राई आलू वाली चाट. मैं टिपिकल पंजाबी हूँ और बेस्ट बात है दिल्ली की, आप कहीं से भी खा लो, कुछ भी खा लो, एक स्वाद होता है. यू नो जिस तरह से हम आई थिंक यू नो पंजाबी खाना बनाते हैं, वो एक अलग ही फ्लेवर होता है उसका. दिल्ली की लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे? खूबसूरत, खूब सोचना नहीं पड़ता. लेकिन आपकी जो गर्लफ्रेंड्स अभी देख रही होंगी उसके आपको मालूम है इसके बाद उनका रिएक्शन क्या होने वाला है? हाँ, कि हमको भी दिल्ली की लड़कियों की तरह खूबसूरत लगना पड़ेगा. कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुचि राय, E24 दिल्ली.